सो हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स अंडर 2000 रुपीज। तो गाइस, अगर आप 2000 रुपए के अंदर एक परफेक्ट ईयरबड्स ढूंढ रहे हो जिनमें आपको टॉप नॉच लेवल की ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाए, प्लस कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया हो, साथ में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाए, और यही नहीं बैटरी का भी काफी अच्छा हो, फास्ट चार्जिंग, और हाँ सभी के सभी ईयरबड्स लेटेस्ट भी हो, तो ये सारी चीजें आपको इस लिस्ट की ईयरबड्स में देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस कुछ नहीं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ कर अपने बेस्ट ईयरबड्स चूज कर पाओ। सो स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस फर्स्ट ईयरबड है, ये आते हैं बोल्ट की तरफ से, बोल्ट ऑडियो जेट 40 प्रो। और गाइस ये बोल्ट ऑडियो जेट 40 के प्रो वर्जन है जो कि अभी 3 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुए हैं, और इनमें आपको मिलने वाला है मैसिव 100 आवर्स तक का प्ले टाइम, गेमिंग मोड भी दे रखा है विद 4 माइक्रोफोन सेटअप, एक्टिविटी भी सुपर फास्ट है, लेटेस्ट बीटी हैपन 3 का यूज किया है, और इसका केस भी लुक एंड डिजाइन वाइज काफी अच्छा लगता है, एंड साथ में गेमिंग के लिए 45 मिलीसेकंड की लोड ऐसी दे रखी है, तो इस पे आप आराम से हैवी गेमिंग कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भाई गाइस अब बात करो उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, 10 एमबी ड्राइवर्स यूज किए हैं और लाउडनेस आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। फुल वॉल्यूम पर सुनोगे थोड़ा बहुत साउंड लीकेज का इशू देने को मिलता है, लेकिन जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, वोकल्स में क्लैरिटी काफी बढ़िया है, इंस्ट्रूमेंटल सप्रेशन भी अच्छा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज आपको प्रॉपर सुनाई देगी, और जो बेस है वो भी अच्छा है बट इतना पावरफुल नहीं है, इसमें आपको काइंड ऑफ बैलेंस ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है। एंड वही नेक्स्ट बात थ्रू कॉलिंग क्वालिटी की, तो क्वाड माइक दे रखे विद ENC, तो कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इवन ऑडियो कंडीशन भी 75-80% तक आपकी आवाज से फोकस रहेगा, एंड साथ में इसका बैटरी का भी काफी अच्छा है, 100 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा विद केस, एंड विदाउट केस 7-8 आवर्स तक बैटरी का दे देंगे, एंड साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो 10 मिनट के चार्ज पर 2 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी प्राइसिंग की बात होते 600 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। एंड वही गाइस 1500 रुपए के अंदर एक और ईयरबड सर्च करना चाहूंगा, डेट इज विंग्स फैंटम 340 ANC। अब इसका प्राइस 2000 रुपए हो गया है, बट फिर से कुछ दिन बाद इसका प्राइस 1500 रुपए के आसपास देने को मिल जाएगा। एंड गाइस ये बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, ऑडियो क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की सुनने को मिल जाएगी विद पावरफुल बेस, एंड साथ में 30 dB तक का SD का भी सपोर्ट है, तो इन्हें आप जरूर कंसीडर करना। तो गाइस जो नेक्स्ट ईयरबड है, ये आते हैं नॉइस क्लब से, नॉइस बर्ड्स एयर प्रो 3। और गाइस इन्हें लॉन्च हुए जस्ट अभी 1 ही महीना हो रहा है, एंड ये भी लुक एंड डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्लस इनकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये भी आते हैं लेटेस्ट बीटी हैपन 3 के साथ, और एक्टिविटी भी सुपर फास्ट है, लेकिन इसमें भी डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दे रखा है, बट इसमें आपको 30 dB तक का ऐसे मिल जाता है जो कि 60-70% तक आपके बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल आउट कर देगा, एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी अच्छे से वर्क करता है, कोई भी रोबोटिक साउंड क्रिएट नहीं करता, और वही गेमिंग के लिए 45 मिलीसेकंड की लोड ऐसी भी दे रखी है, तो इस पर आप आराम से हार्डकोर गेमिंग कर पाओगे। बाय गाइस अब बात करूं इसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, तो 39 का ड्राइवर्स यूज किए हैं, तो लाउडनेस काफी ज्यादा है, 70% ऊपर वॉल्यूम पर सुनोगे तो थोड़ा वो साउंड लीकेज भी होती है, आपके साथ वाले को पता चल जाएगा कि आप क्या सुन रहे हो, बट ये अच्छी बात है कि आवाज फटती नहीं है, एंड जो वोकल्स में क्लैरिटी वो भी काफी सही है, और ट्रबल भी वेल ऑप्टिमाइज है, एंड सभी इंस्ट्रूमेंट की आवाज भी प्रॉपर सुन पाओगे, और रही बात बेस की तो वो भी अच्छा है, बट जो एक्स्ट्रा पावरफुल बेस इफेक्ट होता है ना वो इतना फील नहीं होता, इसमें आपको बैलेंस टाइप का बेस सुनने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करूँ कॉलिंग क्वालिटी की, तो कॉलिंग क्वालिटी काफी सही है, आउटडोर में भी 80-90% तक आपकी वॉच फोकस रहता है, और इसमें आपको 45 आवर्स तक का बैटरी कप मिल जाएगा विद केस, एंड विदाउट केस 6-7 घंटे तक का बैटरी कप दे देंगे, और साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जिसमें आपको 10 से 40 मिनट का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी बात प्राइसिंग की, तो 2000 रुपए के मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। एंड वही गाइस ये नॉइस के बर्ड्स एक्स प्राइम भी काफी अच्छे ईयरबड्स हैं, क्योंकि इनमें आपको 120 आवर्स तक की मैसिव बैटरी मिल जाती है, प्लस गेम मोड भी दे रखा है 50 मिलीसेकंड का, एंड साथ में ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है। 11 mm का ड्राइवर्स यूज किया है, डुअल इक्वलाइजर मोड, म्यूजिक मोड और बेस मोड, तो लाउडनेस दोनों मोड में ही काफी अच्छी है, एंड म्यूजिक मोड में आप सॉन्ग सुनते हो तो बैलेंस टाइप की ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी, एंड वही अगर आप बेस मोड में सुनोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा, प्रॉपर आपको साउंड इफेक्ट मिलने वाले हैं, एंड जो पचेंस होती है बेस में वो भी आप फील कर पाओगे, तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, बट ध्यान रखना इसमें आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलता है, और अभी इसका प्राइस 1800 रुपए है, बट कुछ दिन बाद डेफिनेटली आपको 1500 रुपए देने को मिल जाएंगे। तो गाइस एपिसोड नंबर 4 पे आते बोट की तरफ से, बोट एडोस फ्लैक्स 454 ANC। एंड गाइस ये बोट की तरफ से 2000 रुपए में आने वाले बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, क्योंकि इसमें आपको भर भर के फीचर दे रखे हैं, लाइक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, ऐप सपोर्ट, स्मार्ट टॉक एंड मेनी मोर अदर फीचर्स, लेकिन इसमें आपको एक्टिविटी के लिए बीटी हैपन 2 दे रखा है, इन्हें बीटी हैपन 3 देना चाहिए था, बट फिर भी एक्टिविटी काफी फास्ट है, और साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी सपोर्ट है, तो इन्हें आप 2 डिवाइस में पेयर कर पाओगे, और इसमें भी 32 dB तक का ऐसी दे रखा है जो कि 60-70% तक आपके बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल आउट कर देगा, एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी, तो अपने आसपास की बैकग्राउंड एक्टिविटीज को भी सुन पाओगे, और इसमें आपको एक स्पीक थ्रू मोड का फीचर मिल जाता है जो कि आपका म्यूजिक वॉल्यूम लेवल 20-30% कर देगा, तो आराम से किसी से बात कर पाओगे बिना म्यूजिक पॉज किए, एंड सबसे अच्छी बात इसमें आपको एक स्मार्ट टॉक का फीचर मिलता है, तो अगर आपकी कोई कॉल आ रही है देन सिंपली आप एक्सपेक्ट बॉल की कॉल अटेंड कर पाओगे, एंड कॉल को पिक नहीं करनी है तो रिजेक्ट बोल दो तो कॉल कट हो जाएगी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाता है। और उसी के अलावा बात करें गेमिंग की, तो 60 मिलीसेकंड का बेस मोड भी दे रखा है, तो इस पर आराम से गेमिंग कर पाओगे। बाय गाइस
बात करूँ उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की तो 10 AM पर ट्रैवल्स यूज किए हैं एंड जो बैलेंसिंग है ऑडियो वो काफी इंप्रेसिव है। आपको वोकल्स चाहिए, ट्रबल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन चाहिए, सब कुछ प्रॉपर सुनने को मिल जाएगा एंड साथ में इसके ऐप से आप ऑडियो को और भी एनहांस कर पाओगे। और रही बात बेस की तो वो भी काफी सही है, ज्यादा ओवर पावरफुल बेस नहीं है बट फिर भी आपको मजा आएगा म्यूजिक सुनने में। और नेक्स्ट बात करूँ कॉलिंग की तो इसमें भी क्वाड माइक दे रखे हैं विद ENC, तो इसमें भी आप आराम से आउटर में कॉलिंग कर पाओगे। अराउंड 80% तक आपकी वॉच फोकस रहेगा एंड इसमें आपको 60 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा विद केस और विदाउट केस 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देंगे। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जिसमें आपको 10 मिनट चार्ज 4 आवर्स तक अपने टाइम मिल जाएगा। बाकी बात है प्राइसिंग की तो 2000 रुपए के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो अब तक नंबर 5 पे गया था रियलमी की तरफ से रियलमी बड्स T300 एंड गाइस 2000 रुपए में आने वाले वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स है रियलमी की तरफ से क्योंकि इनमें वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं प्लस ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये भी आता है लेटेस्ट बीडीएफ 3 के साथ और कनेक्टिविटी भी सुपर फास्ट है बट इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दे रखा है। इसमें आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और वही नेक्स्ट बात करूं गेमिंग की तो इसमें 50 मिलीसेकंड की लोटेसी दे रखी है तो इस पर आप आराम से बढ़िया गेमिंग कर पाओगे। और साथ ही साथ 30 dB तक का एसी का भी सपोर्ट है जो कि 70% तक आपके बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिल आउट कर देगा एंड इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफी सही है, आसपास के एंबिएंट साउंड काफी अच्छे तरीके से कैच कर लेता है। बाय गाइस बात करूं इसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की तो 12.4 AM के डायनामिक बेस ड्राइवर्स यूज किए हैं और इनकी जो लाउडनेस वो बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत साउंड लीकेज होती है लेकिन जो इसकी ऑडियो क्वालिटी वो काफी इंप्रेसिव है। वो कल्स ट्रबल इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन सब कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता है और डिटेलिंग भी काफी बढ़िया है म्यूजिक में प्लस रियलमी लिंक ऐप का भी सपोर्ट है तो आप म्यूजिक को अपने अकॉर्डिंग ट्यून भी कर पाओगे एंड इसका जो बेस वो भी काफी सही है, प्रॉपर पचनेस मिलने वाली है एंड साथ में डॉल्बी एटमॉस और 360 स्पेक्ट्रम ऑडियो का भी सपोर्ट है जिससे आप सराउंडिंग म्यूजिक एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है एंड नेक्स्ट बात कॉलिंग क्वालिटी की तो इसमें भी क्वाड माइक दे रखे हैं विद ENC एंड इसकी भी कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। आउटडोर कंडीशन में भी आराम से बात कर पाओगे, अराउंड 80% तक आपकी वॉच फोकस रहता है और इसमें आपको 40 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा विद केस एंड विदाउट केस 7 से 8 घंटे तक का बैटरी का दे देंगे और साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जिसमें आपको 10 मिनट चार्ज पे 7 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा। बाकी अभी इसका प्राइस फिर से 2300 रुपए हो गया है लेकिन कुछ दिनों बाद अगेन इसका प्राइस 2000 रुपए के देने को मिल जाएगा। तो गाइज ये थे अभी तक के सबसे बेस्ट ईयरबड्स जिन्हें आप बाय कर सकते हो। सभी के सभी ईयरबड्स में प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अगर आपका अभी कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, पीस आउट।